वेलकम। चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली होती क्या है और मेथड ऑफ डाटा स्टोरिंग जो है वो किस तरह से होता है और पीट्स क्या होते हैं, लैंड्स में क्या होते हैं और मेथड ऑफ डाटा रीडिंग, यानी डाटा को हमने रीड कैसे करना है। और देन आपको बताएंगे कि रोम क्या है और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो कितनी है और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी वो कितनी है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो में आगे चल के हम देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, इसमें बेसिकली जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, अगर आप नाम पर गौर करें तो ऑप्टिक्स जो है मीन लाइट है, यानी इसमें लेजर टेक्नोलॉजी का जो हम इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने जो स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी उनके अंदर हम मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और इसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरह से होता है इसका आंसर भी आपको वीडियो में आगे चल के मिल जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि पहली जो सीडी थी वो 1984 में हमारे पास आई पहली सीडी, जिसके ऊपर हमने डाटा जो है उसको स्टोर किया था। और पहली सीडी जो है उसको हमने फर्स्ट जनरेशन का नाम दे रखा है। ये फर्स्ट सीडी यानी फर्स्ट जनरेशन 1984 में आई हमारे पास और इसके ऊपर जो डाटा स्टोर करने की इसकी एबिलिटी थी वो 700 MB थी। और इसकी आप देख सकते हैं, आई थिंक कैमरे के अंदर आप इसको देख रहे होंगे कि आपको इसके ट्रैक, इसका ये सारा इसका ट्रैक होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ट्रैक में पिट्स और लैंड्स कैसे वर्क करते हैं, लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, इसका भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन आती है। सेकंड जनरेशन हमारे पास 1996 में आती है, जिसको हम डीवीडी का नाम देते हैं। सीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, डीवीडी जिसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं या डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये 1996 में हमारे पास आती है और इसको हम सेकंड जनरेशन का नाम दे रहे हैं। और इसके अंदर जो आप डाटा स्टोर कर सकते थे वो था 3 GB, यानी 3 to 4 GB तक डाटा आप इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है जी थर्ड जनरेशन, 2006 में हमारे पास आती है थर्ड जनरेशन, और जिसको हम ब्लू रे के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर जो डाटा स्टोर हम कर सकते थे वो 9 GB तक, यानी 9 GB तक का डाटा जो है वो आप इसके ऊपर स्टोर कर सकते थे और इसको हमने थर्ड जनरेशन का नाम दे रखा है। तो अब जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी जो है, इसको अब हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज अ मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क विच इज बेस्ड ऑन लेजर टेक्नोलॉजी। ये क्या हमारे पास है कि बेसिकली जो हमारे पास सीडी होती है ये लेजर टेक्नोलॉजी पर मबनी प्लास्टिक से ढकी हुई एक डिस्क है और ये लेजर टेक्नोलॉजी के असूल पे जो है वो काम करती है। मेथड ऑफ डाटा स्टोरिंग इन कॉम्पैक्ट डिस्क, या जिसको हम सीडी भी कहते हैं, डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट विच आर कॉल्ड पिट्स एंड लैंड। इसमें हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग जो है वो इसके स्पॉट इस पे होते हैं और जिनको हम पिट्स या लैंड के नाम से जानते हैं, पिट्स और लैंड के नाम से हम जानते हैं। और लैंड को हम जो है फ्लैट भी बोल सकते हैं, पिट्स और फ्लैट भी इसको बोल सकते हैं, यानी लैंड्स को, या आप सिंपली लैंड कह सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास, अगर एक ये सीडी हमारे पास जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास एक सीडी है। अब सीडी के ऊपर ट्रैक है और इसके ऊपर सारा जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट इसके नजर आते हैं, यानी सीडी के ऊपर कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनको हम पिट्स के नाम से जान रहे हैं और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम लैंड, या आप कह सकते हैं कि जिनको फ्लैट के नाम से जानते हैं। पिट्स का मतलब क्या होता है, गड़ा, यानी इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिन पे गड़े होंगे, जैसे कुछ चीज गड़े में जाती है तो वो अंदर ही चली जाती है। तो इस तरह से इसकी रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स इसके होते हैं। जो लैंड है वो लाइट को क्या करते हैं हमारे पास, और पिट्स क्या काम करते हैं, तो ये मैं अब आपको बताता हूं कि बेसिकली हमारे पास जो लैंड है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं
और पिट्स जो हैं ये लाइट को आप कह सकते हैं कि अब्जॉर्ब करते हैं या बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारे पास लैंड है और इसके बाद ये पिट्स है, और इस तरह से हमारे पास लैंड और पिट, ये सीडी की एक सरफेस हमने दिखाई हुई है। मजीद हमने लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू भी आपको माइक्रोस्कोपिक इसका व्यू दिखा रहे हैं। तो ये देखिए जहां पे मैंने ये ब्लैक ब्लैक हिस्सा किया हो इसका, तो ये हमारे पास ये क्या है, और जहां पे ये हमारे पास एक आप कह लें कि खाली जगह मैंने छोड़ हुई है, तो ये क्या है, तो इसका आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जो इसका हिस्सा थोड़ा ऊपर को उठा हुआ है इसको हम लैंड बोलते हैं, और ये हिस्सा जो इसको हम बोलते हैं पिट्स। इस तरह से लैंड और ये पिट्स, और दो पिट्स के दरमियान जो होता है हमारे पास लैंड होता है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि दो लैंड्स के दरमियान जो है वो हमारे पास दो लैंड के दरमियान पिट्स होता है। तो अब हम इसको मजीद देखते हैं, लेकिन यहां से हम आपको बता सकते हैं कि पिट्स क्या हैं और लैंड्स क्या हैं। पिट्स आर द स्पाइरल ट्रैक इनकोडेड ऑन द टॉप सर्फस ऑफ द सीडी, और लैंड्स क्या हैं, लैंड्स आर द एरिया बिटवीन पिट्स, यानी लैंड जो है वो दो पिट्स के दरमियान जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। ये दो पिट्स हैं, इनके दरमियान एरिया लैंड है। इस तरह ये दो हमारे पिट्स हैं, इनके दरमियान एरिया लैंड होगा। ये जो थोड़ा ऊपर को मैंने ब्लैक ब्लैक किया हुआ ऐसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैंड बोलते हैं। मजीद यहां पर आपको फिर से बना के दिखाता हूं, जरा देखिएगा। यानी इस तरह से ये होता है बेसिकली, ये लैंड होता है, ये पिट्स होता है, ये हमारे पास लैंड, ये पिट्स, सोन, इस तरह से हमारे पास चल रहा होता है। अब उसके बाद लैंड और पिट्स के बाद डिफाइन करने के बाद आई थिंक आपको इस चीज का पता चल गया कि लैंड्स के हैं और पिट्स के हैं। लैंड जो होती है बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, और पिट्स जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। मेथड ऑफ डेटा रिकॉर्डिंग, अ फाइन लेजर बीम स्कैन सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क टू रीड डेटा, पिट्स एंड लैंड्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ लेजर लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ सीडी, दिस पैटर्न ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बाय पिट्स इज कन्वर्ट टू द बाइनरी डाटा। अब इसको हमने बाइनरी डाटा के अंदर कन्वर्ट करना होता है, यानी हम यहां पे इसको बताते हैं आपको कि किस तरह से है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास लेजर बीम जो हमारे पास आएगी, तो लेजर बीम जाके हमारे पास ये लेजर है, यहां से लाइट निकलेगी और इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करती है, तो अगर ये लैंड के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो ये वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और उसके बाद यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए हैं, वो इसको क्या करेंगे जो है वो रिसेप्ट कर लेंगे, यानी रिसेप्टर जो है वो इसको रिसीव कर लेंगे। और इसमें कैसे होगा कि जैसे हमारे पास अगर ये लैंड है तो यहाँ पे वन होगा, पिट्स है तो यहाँ पे जीरो होगा, लैंड है तो वन, पिट्स है तो हमारे पास क्या आता जाएगा, जीरो। इस तरह से बाइनरी कोड में हमारे पास डाटा जो है वो आता जाएगा, और फिर जब ये डाटा हमारे पास बाइनरी नंबर्स यानी वन और जीरो में आता जाएगा, तो जो भी हमारे पास जो वन जब आएगा तो कोड वन जो है वो बता रहा है कि हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी लैंड पे लाइट फॉल हुई थी, और ये कोड वन की पहचान होगी। इस तरह से इसको हम डीकोड करके एक डिजिटल सिग्नल यानी कि इससे मिलता है, और जिसको मसलसल तब्दील होती हुई इलेक्ट्रिक करंट में हम बदल सकते हैं, जो एम्पलीफाई और फिर लाउड स्पीकर को हम भेज सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी, हम यहाँ पे लेजर के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे पास पिट्स और लैंड्स हैं, तो इस तरह से लाइट जब लैंड के ऊपर पड़ती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और फिर आगे रिसेप्टर उसको जो है वो रिसेप्ट कर लेते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इसको रिसीव कर लेते हैं। जब लाइट जो है वो लैंड पे पड़ती है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, उनसे लाइट निकलती है और जाके लैंड पे पड़ेगी, जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रे रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, और फिर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो उसको क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। और इस तरह से हमारे पास जब वन डिजिट वहाँ पर शो होगा, यानी कि रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये होगा कि हमारे पास बाइनरी डिजिट वन कोड जो है इसकी, यानी कि वन कोड मिल जाएगा, उसको डिकोड किया जाता है, और फिर सिग्नल डिजिटल सिग्नल जो उसको मिलता है, फिर इसको इलेक्ट्रिक करंट और फिर लाउड स्पीकर को भेज दिया जाता है। इस तरह से हम जो भी साउंड है, जो भी चीज़ है, उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कि हमारे पास जो रोम है वो क्या है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है, डाटा स्टोर्ड ऑन सी डी कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी प्रेड आर द रेज, यानी इसको हम डाटा जो है उसको हम इससे मटा नहीं सकते, यानी ख़त्म नहीं कर सकते। सी डी मेमोरी इज कॉल्ड रोम, सी डी की जो मेमोरी होगी वही कहलाती है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी है, इसको आप रीड कर सकते हैं। आपके पास जो डाटा आता है वन और जीरो की फॉर्म में, तो आप उसको जस्ट रीड कर सकते हैं,
आप उसके ऊपर खुद से राइड नहीं कर सकते, उस डाटा को आप मिटा नहीं सकते। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमने डाटा को सीडी के ऊपर स्टोर करवाना होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे पिट्स और लैंड बना देंगे। अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर दें ज़रा आपको समझाने के लिए कि हमारे पास अगर ये लैंड है और ये हमारे पास पिट्स हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जहाँ पे हमारे पास लैंड होगा वहाँ पे वन आ जाएगा, जहाँ पे पिट्स होगा वहाँ पे जीरो आ जाएगा, लैंड पे वन, पिट्स पे हमारे पास क्या आता जाएगा जीरो, और सो ऑन बाइनरी फॉर्म में हमारे पास आता जाएगा। अगर हमने पिट्स का एरिया बढ़ाना है तो डेफिनेटली हमें जीरो जीरो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, अगर लैंड का एरिया बढ़ाना है तो वन वन आता जाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको डाटा को जो है इसके ऊपर स्टोर करते रहते हैं और देन हम रीड जब करते हैं तो लेज़र जो है यानी कि हमारे पास जो होगा एक आप कह लें कि हेड जो है तो जब ये इस तरह से घूम रही होती है तो वो इस डाटा की पहचान करता जाता है कि कहाँ पे वन आ रहा है कहाँ पे जीरो आ रहा है। बाइनरी फॉर्म में हमारे पास डाटा इस तरह से हमें मिलता जाता है। तो अब देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी। अब सीडी की अगर स्टोरेज कैपेसिटी को देखा जाए सीडी कैन स्टोर ओवर 680 मेगाबाइट ऑफ कंप्यूटर डाटा। सीडी जो है वो 680 मेगाबाइट तक का डाटा स्टोर करती है। और स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी की अगर बात करें तो डीवीडी सेम साइज की डीवीडी हमारे पास जो होगी ट्रेडिशनल सीडी की निस्बत हमारे पास वो स्टोर कर सकती है 17 गीगाबाइट्स यानी 17 जीबी तक का डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है डीवीडी। और यही लेजर टेक्नोलॉजी का कमाल है, यानी कि हम लेजर टेक्नोलॉजी में जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है तो उनमें मजीद हम चेंजिंग लाते रहते हैं। और हम फर्स्ट जनरेशन जो है उस पर इंफ्रारेड वेव जो है यानी उनकी जो वेवलेंथ है 7 नैनोमीटर तक होती है। और वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। जरा मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ, देखिएगा जरा, ये हमारे पास दो क्रस्ट होते हैं, इसको भी क्रस्ट कहते हैं और इसको भी क्रस्ट कहते हैं, और ये इनके दरमियान फासला इसको वेवलेंथ कहते हैं। अब इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 700 नैनोमीटर जो है, तो वो फर्स्ट जनरेशन पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जैसे हम पहले आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं तो उस पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो इससे हम डाटा की कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और ये 0.7 जीबी तक का डाटा जो है वो स्टोर कर सकेगी। इस तरह से सेकंड जनरेशन का मैंने आपको बताया था तो ये हमारे पास जो होगा ये उससे भी ज़्यादा डाटा जो है वो यानी कि स्टोर कर सकते हैं डीवीडी जो होगी। और इसी तरह से हमारे पास आप ये 4.7 तक का जीबी तक का डाटा जो है वो स्टोर कर लेगी। इसी तरह से हमारे पास थर्ड जनरेशन थी तो ये जिसको हम ब्लू रे के नाम से जानते हैं और ये अगर लेज़र टेक्नोलॉजी का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, सेकंड जनरेशन में हम रेड वेव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर इसमें हम ब्लू रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो 25 जीबी तक का डाटा स्टोर कर सकती है। यानी डीवीडी के अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है डाटा स्टोर करने की। तो इस तरह से हम लेज़र टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि डाटा स्टोर करने की एबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती जाती है क्योंकि इनकी वेवलेंथ शार्टर होती जाएगी और जब वेवलेंथ शार्टर होती जाएगी तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो इट मीन आप ज़्यादा डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का आपको बताया कि लेज़र टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किस तरह से डाटा स्टोरेज कैपेसिटी इनकी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपैक्ट डिस्क जिसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, सीडी कहते हैं, ये किस तरह से डाटा को स्टोर करती है और डीवीडी का काम क्या है जिसको हम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। तो इससे पहले हम स्टोरेज डिवाइसेस की वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं फ्लॉपी डिस्क के हवाले से और हार्ड डिस्क के हवाले से भी, तो आप उन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।